स्वच्छ हवा। हमारी काम वाली भाई है शांता भाई, होम स्वीट होम। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और यार आज मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, मतलब पोलैंड में घर कैसे होते हैं और यूरोप के घर इंडिया के घर से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्या आपको एमिनिटीज़ मिलती है जो यूरोप के घर में मिलती है बट इंडिया के घरों में नहीं मिलती। आपको मैं अब हाउस टूर देने वाला हूँ अपने घर का। आज पोलैंड में आए हुए 2 साल हो गए मुझे, यहाँ पे मेरा दूसरा घर है, ये अभी रेंट पे है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या एमिनिटीज़ मिलती हैं पोलैंड के घर में, रेंट कितना होता है, ईटिंग चार्जेस कितने होते हैं, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। बट वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मिस होने वाला है। तो चलो आप चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि पोलैंड के घरों में क्या क्या होता है। कम दोस्तों, इंडिया में हमारे क्या होता है कि मतलब गार्ड बैठा होता है कि बिल्डिंग के बाहर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रजिस्टर में एंट्री होती है ना, यहाँ पे एंट्री होती है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। हर बिल्डिंग का एक कोड होता है, हर अपार्टमेंट का एक कोड होता है, वो आपको डालोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये गेट खुल जाएगा। तो इसमें मैं कोड आपको दिखा नहीं सकता बट मैं आपको दिखाता हूँ अनलॉक करके इसे। तो गेट खुल चुका है, ये एक तरीका है गेट खोलने का, तो इससे सिक्योरिटी भी रहती है और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारी बिल्डिंग में। आपको दिखाता हूँ मैं, आ जाओ। तो दोस्तों वो तो पहला था ऑथेंटिकेशन, दूसरा ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे भी सेम कोड ही काम करता है। और आप इसमें कोड डालो, जैसे मैं हमारा रूम मतलब अपार्टमेंट नंबर की देन कोड, इस तरीके से काम करता है। मैं आपको दिखा नहीं सकता बट मैं, चलो ऑफ। सो दोस्तों घुसते ही सबसे पहले देखो यार, ये यहाँ पे एक साइकिल स्टैंड है, मतलब अगर आपके पास साइकिल, यहाँ पे बहुत लोग चलाते हैं, ये पॉल्यूशन नहीं है, हवा साफ़ है तो साइकिल पर चलाना लोग पसंद करते हैं। तो ये साइकिल स्टैंड ये कॉमन है, यहाँ पे कोई भी पार्क कर सकता है। एंड दिस इज द मेल बॉक्सेस जो आई थिंक इंडिया में भी इसी तरीके के होते हैं। इसकी आपके पास की होती है तो इससे आप की से खोल के अपना मेल बॉक्स चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या आया है क्या नहीं। यहाँ पे देखो मतलब हरियाली कितनी है यार, एक चीज़ तो है मतलब पोलैंड में आप घूमोगे यहाँ पे हरियाली बहुत है यार, मतलब लोग ये पेड़ पौधे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हमें समर से एक डेफिनेट टाइम के लिए होते हैं, तो ये चाहते हैं कि उस टाइम में जो फूल पौधे ये मतलब उगा के रखें अच्छे से, और अच्छा लगता है ना आँखों को हरा हरा फूल वूल, तो बिल्कुल एकदम हरियाली टाइप का है। देखो क्या फीलिंग आती है, मतलब आप घर रूम्स अपने मेन गेट खोलो और बाहर ये हरियाली हरियाली, नाइस, स्वच्छ हवा, अलग ही है यार। चलो तो दोस्तों ये है हमारा फ्लैट, दिस इज़ आर फ्लैट। मैं नंबर नहीं दिखा सकता आपको बट यहाँ पे देखो यार कितनी हरियाली है, मतलब ये बेल वेल मतलब नाइस, अच्छा देख के अच्छा लगता है, मतलब आँखों आप गेट खोलो और बाहर हरियाली हरियाली। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में मतलब अगर आप ऐसे आई थिंक बहुत कम होते हैं बट यहाँ पे आई थिंक आपको हर जगह एक डेडिकेटेड पार्क और डेडिकेटेड मतलब ऐसे ग्रीन एरिया मिलेगा। दैट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस पोलैंड हाउसेस। लेट्स गो इनसाइड और अब देखते हैं अंदर हमारे घर में। आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें हमें एमिनिटीज़ जो हमें इंडिया से हमें डिफरेंट लगी, जो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है या इंडिया में जो चीज़ ज़्यादा अच्छी है वो मैं आपको बताऊँगा। आ जाओ अंदर, आइए चलिए। वेलकम टू माई होम, कम। गाइस सबसे पहले घुसते ही हमें ये मिलता है, यहाँ पे क्या करते हैं आपको पता है पोलैंड में क्या होता है, मतलब सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं यहाँ पे, तो क्या लोग जैकेट्स पहन के आते हैं, बड़ी बड़ी जैकेट्स। सो ये जो हम जैसे खूंटी बोलते हैं हिंदी में, ये उसके लिए है हुक्स, कि आप यहाँ पे अपनी जैकेट टांग दीजिए। दिस इज हीटर, छोटा सा हीटर है, सर्दी बहुत पड़ती है पोलैंड में तो सर्दियों में जो ये हीटर ही काम आता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर, तो एक इसके पीछे कबर्ड है जिसमें हमने अपने सूटकेसेस रखे हुए हैं, क्योंकि इंडिया से जब आप आएंगे तो सूटकेसेस बहुत होते हैं, तो इसको हमने सूटकेसेस के लिए पैक कर रखा है। यहाँ पे अपनी जो भी यूटिलिटी चीज़ें हैं, मतलब वैक्यूम क्लीनर हो गया, ब्रूम हो गया, मतलब पोंछा हो गया, इस तरीके की चीज़ें हमने इसके पीछे रखी हुई हैं, इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूँ आपको। बट ये एक मिरर का भी काम करता है और एक एक शेल्फ भी है पीछे इसके। सो दोस्तों अब मेरा सबसे फेवरेट जो मेरा सेक्शन है घर का, क्योंकि आपको पता है मुझे खाने से कितना प्यार है, तो ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, किचन। हमने अभी हमने थोड़ी साफ़ कर रखी है किचन, नॉर्मली ऐसे आपको नहीं दिखेगी
बट वीडियो के चक्कर में हमने थोड़ा सा साफ सफाई ज़्यादा कर रखी है, बट दिस इज़ माई फेवरेट सेक्शन किचन। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं, मतलब यहाँ पे आप पोलैंड अगर आते हैं, आप इंडिया से मूव करते हैं स्पेशली, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये कॉफ़ी मशीन, प्यारी सी कॉफ़ी मशीन आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पोलिश लोग कॉफ़ी के बड़े दीवाने हैं यार। मतलब कॉफ़ी यहाँ पे ऐसा है कि मतलब जैसे हम इंडिया में चाय पीते हैं ना, यहाँ पे वो कॉफ़ी है। तो आपको कॉफ़ी मशीन तो पक्का देंगे ही देंगे, अगर नहीं दे रहे हैं और आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो ज़रूर उनसे बोलिएगा कि कॉफ़ी मशीन तो यार आप एक दें ही हमें, ये हमारी कॉफ़ी मशीन है। और इसके बाद ये यार, ये भाई बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया में, क्या हमारे पास आरओ मशीन होती है बड़ी सी जिसमें से पानी आता है। तो ये क्या है, इसमें आप इसको खोल के इसमें पानी भर सकते हैं, टैप वाटर की, टैप वाटर ड्रिंकेबल है पोलैंड के अंदर। इसमें आप पानी भरिए और इससे थोड़ा सा फिल्टर हो जाता है और आप उसको बाद में पी सकते हैं, बट आप डायरेक्ट टैप वाटर भी पी सकते हैं। बट इफ़ यू, अगर आप आरओ का वाटर पीने के थोड़े आदी हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ यार, ये बहुत एक अलग चेंज था मेरी लाइफ में। मतलब मैंने इंडिया में गैस ही यूज़ करी है पूरे हर टाइम, और इंडक्शन यूज़ किया है यहाँ पे, बट इंडक्शन के बर्तन अलग होते हैं, इंडक्शन का कुकिंग टाइम अलग होता है, सब चीज़ अलग होती हैं। तो इंडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, कुछ कुछ घरों में आपको गैस भी मिलेगी, बट 90% में आपको इंडक्शन मिलेगा, क्योंकि इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू चालू हो गया गलती से, इजी टू इंस्टॉल है और इजी टू मेंटेन है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ आवर ओवन, विच इसमें हम अपना, इंडिया में हम जो बैंगन का भरता बनाते हैं गैस पे बनाते हैं ना, तो गैस तो है नहीं, तो इसमें हम बैंगन रख के बैंगन का भरता यहाँ बनाते हैं। ये मिक्सी है, ये हमने खुद ली है, बट अगर आप चाहें तो अपने लैंडलॉर्ड से बोल सकते हैं, एट द टाइम ऑफ आप जब मूव कर रहे हो, जब आप साइन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप बोल सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये एक माइक्रोवेव जो हमारे ओनर ने हमें दिया है, बट अगर आपको ओनर नहीं दे रहा और आपको ज़रूरत है तो आप बोल सकते हैं, तो यहाँ के ओनर्स आर प्रीटी फ्लेक्सिबल इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो ऐड कर देंगे ये चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि हम वो क्या क्या आपको दे रहे हैं। और ये हमारी काम वाली भाई है शांता भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सो इंडिया में तो हम हाथ से धोते हैं बर्तन, बट यहाँ पे हम डिश वॉशर की हेल्प लेते हैं। डिश वॉशर से यार मुझे पता है, जब मैं इंडिया से यहाँ पे मूव हुआ था तो मुझे पहले लगा था डिश वॉशर बहुत बकवास चीज़ है, मतलब कि बिजली खाता है, पानी ज़्यादा लगाता है, टाइम ज़्यादा लगाता है। बट जब मैंने इसको यूज़ किया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे पोलैंड में, बट कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे डिशवॉशर की क्या लगी यार, हाइजीन। मतलब इसके अंदर जो एक साइकिल होती है वो 3 घंटे की होती है नॉर्मली, तो उसमें आपका पहले धुलेगा, फिर आपका साबुन से धुलेगा, फिर नॉर्मल पानी से धुलेगा बर्तन, उसके बाद स्टीम रिलीज होती है इसके अंदर जो ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की स्टीम होती है, तो उससे जो जर्म्स और जो हाइजीन होती है वो बहुत अच्छे यार। मतलब मैंने यूज़ किया है, आई थिंक ये इंडिया में इंस्टॉल करने लायक है, बट इंडिया में आई थिंक फैमिलीज बड़ी होती हैं तो इसमें सारे बर्तन नहीं आ सकते, बट हम 2 जनों के बर्तन इसमें आई थिंक पूरे आराम से आ जाते हैं, और बड़े वाले फ्रिज हमारा थोड़ा छोटा है, बट स्टिल लाइक जो है हम उसमें कोशिश करते हैं कि उसको यूज़ करने की, बट दिस इज़ फ्रिज होम स्वीट होम, ये हमारे ओनर ने लगा के दिया था, बट इसका ई टूटा हुआ था यहाँ से, तो मैंने इसको खुद थोड़ा कारीगरी लगा के इसको सही किया है। And apart from that, these are the cabinets, normal cabinets, in which इसमें हमने सामान रखा हुआ है, दाल मसाले इस तरह की चीज़ें हमने रखी हुई है, और जो ये cabinets हैं इसमें अपने अपने utensils रखे हुए हैं। और एक चीज़, जब आप मूव कर रहे हो यूरोप में, कोई नया फ्लैट आप अपार्टमेंट ले रहे हो, तो ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि आप बर्तन आपको क्या क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओनर बर्तन देते हैं, हमें पैंस मिले हैं, हमें थोड़े कप्स मिले हैं, प्लेट्स मिली है, बट डिपेंड करता है कि आपको पहले से पता है या नहीं पता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ अपने ओनर को बोलिए कि हमें यूटेंसिल्स चाहिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने मूव इन किया तो उसको यूटेंसिल्स नहीं दिए, सो दैट इज़ प्रेटी स्ट्रेंथिंग, आपको उसको सब कुछ आईकिया से खरीद के लाना पड़ा। तो आप अपने ओनर को बोल सकते हो कि हमें यूटेंसिल्स चाहिए, आपको पैंस मिल जाएंगे, आपको कप्स प्लेट्स सब कुछ वो देंगे, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, कि आप ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि जब आप मूव कर रहे हो तो आपको यूटेंसिल्स पक्का मिले। दोस्तों जब हम ये घर देख रहे थे, मतलब हम सर्च कर रहे थे घर ओएलएक्स पे, मार्केट प्लेस पे, तो हमारी एक मतलब यूनिक रिक्वायरमेंट थी कि हमें सनलाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लास्ट हमारा जो अपार्टमेंट था उसमें बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी, और उनका पेंट जो था जो घर का, वो ब्लैक और मैरूनिश कलर में था, तो बहुत ही जो कहते हैं ना एक डार्क फीलिंग आती थी। बट हम इस घर में देखिए, पूरी वाइट जो दीवारें हैं पूरी वाइट हैं, सो दैट्स वाई जो फीलिंग है ना, मतलब मॉर्निंग में आपको रोशनी इतनी आती है कि आपको लाइट्स जलाने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी।
वाइट पेंट जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स आप तो स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि जो वाइट कलर है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है और आपको रूम स्पेशियस लगता है और थोड़ा ब्राइट लगता है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस दैट कि घर में सनलाइट तो होनी चाहिए और वाइट पेंट हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई। सुबह सनलाइट बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। और वन थिंग आई लेट यू नो, कम दिस इज द लाइट। अभी ये जो सेम है ये आप तीन कलर में आप कर सकते हो। इसको बंद किया, नाउ इट्स वाइट। लेट मी शो, इट्स वाइट लाइट। इफ आई स्टॉप, टर्न इट ऑफ, नाउ इट्स येलो। इफ आई टर्न इट ऑफ, देन इट्स द डार्क येलो। सो सेम लाइट ही तीन लाइट्स का काम करती है। अगर हमें कभी इंडिया का फील लेना होता तो हम वाइट लाइट चला देते हैं, बट कभी हमें थोड़ा मूवीज़ देखना है तो हम येलो लाइट प्रेफर करते हैं। हमारा मंदिर, ये हमने मंदिर छोटा सा मंदिर सेटअप किया था यहाँ पे जब आए थे। तो ये सारी जो मूर्तियाँ और तस्वीरें हम इंडिया से ही लेके आए थे अपने साथ। हमने लाइटिंग और सब कुछ ये यहाँ पे ख़रीदा है। बड़े सारे जो डेकोरेशन है हम इंडिया से ही लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं मंदिर सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ थोड़ी ज़्यादा रिलीजियस है, तो हम मंदिर तो चाहते थे अपने घर में। एक छोटा सा कॉर्नर हो हमारा जहाँ मंदिर हो हमारा। तो आप सब मूर्तियाँ और जो पूजा का सामान है, सामग्री है सारा, वो आप इंडिया से ही लेके आए, ये ज़रूर आप अपने दिमाग में रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे मिलता है चीज़ें, बट वो ओकेशनली मिलता है। दिवाली पे आप जाएंगे लिटिल इंडिया स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, बट लेकिन नॉर्मल डेज में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो आप इंडिया से ही सब चीज़ें लेके आएँ, जैसे रोली हो गई, बाती हो गई, इस तरह की चीज़ें आप इंडिया से ही लेके आएँ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एंड दिस इज़ माई फेवरेट मेमोरी वॉल। सो इसमें मैं और अंजलि जहाँ जहाँ घूमे हैं इन 2 सालों में, उसका एक काइंड ऑफ छोटा सा एक ग्लिम्स है कि आप देख सकते हैं हम पेरिस, प्राग, बुडापेस्ट, बार्सिलोना, मिलान, कहाँ कहाँ हम घूमे हैं। एंड दीज आर द फ्रिज मैग्नेट्स। सो हमारे फ्रिज जो है आपने देखा था उस पर वुडन लेयरिंग है, तो उस पर वो चिपकेंगे नहीं मैग्नेट। सो मैंने ये एक ऑर्डर किया है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैग्नेट शीट। तो मैंने इस पर चिपका दिया, डबल टेप के साथ आया था ये, और ये आराम से पील ऑफ हो जाएगा, तो मतलब प्लाई को भी नुकसान नहीं होगा। उसके ऊपर मैंने मैग्नेट्स अपने ये इस तरीके से चिपका दिए हैं। सो अगर आपका फ्रिज भी वुडन है फिनिशिंग वाला, तो आप इस तरीके का ऑप्शन ले सकते हैं। मैं कमेंट्स में दे दूंगा ऑप्शन, एलेग्रो से मैंने मंगवाया था, आप भी चाहो तो ऐसे मंगवा सकते हो। दिस इज दैट कीप्स यू रिमाइंडिंग ऑफ कि आप कहाँ कहाँ घूम के आए हैं और आपको कहाँ कहाँ और कवर करना है। सो गाइस, दिस इज नॉर्मल शेल्फ्स, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, आपके डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है। दिस इज़ अ टीवी जो हमें ओनर ने ही दिया था, हम थोड़ा बड़ा टीवी का डिमांड कर रहे हैं, बट वो आई थिंक मिल जाएगा, बट अभी के लिए दिस इज़ आवर टीवी। एंड दिस इज़ अ फैमिली, कई फैमिली की याद आती है इंडिया में। तो ये मेरी वाइफ ने डिज़ाइन किया है, ला फैमिलिया। आई थिंक उसे स्पेन को ज़्यादा पसंद है, तो दैट्स व्हाई इन स्पैनिश इज़ कॉल्ड द फैमिली। So let's place it here, and these two are one is of our engagement, and ये आप हमारी शादी का फोटो है। Just to make it more homely हमने ये फोटोज निकाली हैं, क्योंकि आप फोटोज मैटर करती हैं। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा homely फीलिंग आए, कि आप अपने घर वालों के, मतलब याद तो आती है, सबको आती है, होमसिकनेस होती है, तो ये फ़ोटोज़ देख के ही हम वो थोड़ा सा पुरानी यादों को जी लेते हैं। तो अगर आप मूव कर रहे हैं तो फ़ोटोज़ लगाना ज़रूर थोड़ा प्रेफर कीजिएगा। दिस इज़ रोज़ जो मैंने अंजलि को रोज़ डे पे गिफ्ट किया था। ये आर्टिफिशियल हैं, इसलिए किया था कि हमेशा ये फ्रेश रहें, क्योंकि फ्रेश रोजेस तो थोड़े टाइम बाद मुरझा जाते हैं, बट ये आई थिंक हमेशा फ्रेश रहेंगे। दिस इज़ द एफिल टावर जो हमने लिया था पेरिस के वक्त। दिस इज़ द गिफ्ट्स जो जब हम इंडिया से आ रहे थे यूरोप, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमें ये गिफ्ट्स दिए हैं जो हमने प्यार से अपने घर में लगाए हैं। ये लैंडलॉर्ड ने पहले से ही लगा के दिए थे हमें, सो नथिंग एल्स। एंड या वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन दैट हमारे ओनर ने हमें ये 5.1 होम थिएटर भी दिया है, सो इट्स अ गुड थिंग। ओह नाउ दिस इज़ वन मोर हीटर हेयर जो सर्दियों में बहुत काम आता है यार। एंड दिस इज़ माई वाइफ्स ऑब्सेशन, माई वाइफ्स हैबिट ऑफ ग्रोइंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स।
उसको बहुत शौक है मतलब प्लांट्स का अंजलि को। अंजलि कैमरे के पीछे है अभी, आने सामने नहीं आ रही है, थोड़ा शर्मा रही है। दिस इज़ मनी प्लांट, यू नो एवरीबडी लाइक्स मनी, बट आई लाइक, माई वाइफ लाइक्स मनी प्लांट, सो दैट्स वाई वी हैव दिस मनी प्लांट हेयर। दिस इज बेसिल, तुलसी है बट वो वाली तुलसी नहीं है जिसे हम पूछते हैं इंडिया में। दिस इज जो पिज़्ज़ा पे डालते हैं वो, दिस इज पीस लिली, बट अनफॉर्चुनेटली ये आई थिंक ये बहुत मुरझा गया है। तो आप में से किसी को अगर कुछ आइडिया हो कि इसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा पहले जैसा बना सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें किस चीज़ की कमी। हमने बहुत ट्राई किया है, हमने वाटर किया है, हमने इसमें फर्टिलाइजर्स डाला, बहुत कुछ डाला है, बट स्टिल ये थोड़ा सा पता नहीं इसकी एज हो गई क्या हो गई, आई डोंट नो। आप प्लीज़ कमेंट्स में मैंशन कीजिएगा कि इसको हम कैसे से रिवाइव कर सकते हैं। नाउ अंजलि, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए क्योंकि ये मेरा वर्किंग स्टेशन, सो दिस इज द वर्किंग स्टेशन आई यूज़ बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days इन अ वीक। सो घर से काम करने के लिए एक टेबल चाहिए, दिस इज़ अ स्क्रीन, दिस इज़ अ कम्फर्टेबल चेयर। तो भाई अगर आप काम कर रहे हो घर से तो ऐसा टेबल आपको ज़रूरी चाहिए। ये हमने खुद परचेज़ किया, हमें लैंडलॉर्ड ने नहीं दिया है, ये हमने खुद परचेज़ किया था ओलेक्स से। तो आप परचेज़ कर सकते हो सेकेंड हैंड, IKEA से आप नया भी ला सकते हो। तो दिस इज़ द वर्किंग डेस्क दैट जो मैं रोज़ाना जिस पे काम करता हूँ आके, दिस इज़ गुड। एंड दिस इज़ आवर सोफ़ा, सोफ़ा कम बेड एक्चुअली, जो हम नेटफ्लिक्स देखते हैं कभी, तो ये सोफ़ा बेड बन जाता है इन दैट केस। इट्स प्रीटी कम्फर्टेबल एज ऑफ नाउ। एंड दिस आर द पिलोज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ओनर, हमने एक नहीं ख़रीदा है कुछ। दिस इज़ अ ड्रैगन, ये हमारे दोस्त ने हमें गिफ्ट किया था, अ लिटिल ड्रैगन। एंड एज आई टोल्ड यू प्लांट्स कम, दिस इज़ आ पेंटिंग राधा कृष्ण विच आई बॉट फ्रॉम ऋषिकेश व्हेन आई वेंट टू माई इन लॉज हाउस, आई बॉट इट फ्रॉम ऋषिकेश, दिस राधा कृष्ण मूर्ति। एंड दिस इज़ आ डाइनिंग टेबल, ये पूरी कांच की है, ग्लास है पूरा, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल putting pressure on this and it have sharp edges, so बहुत अच्छा है, मतलब कांच का है और देखने में बड़ा aesthetic feel आता है इसका, so it's pretty good। like अगर आप चाहें तो आप भी अपने landlord से demand कर सकते हैं यार, आपको अगर आपके घर में space है कि आपको dining table चाहिए या नहीं चाहिए, आप demand कर सकते हैं अपने landlord से। majority जो polish घर होते हैं उसमें क्या होता है, एक hall होता है उसमें आपका sofa कम bed लगा होता है और एक bedroom होता है। इसको ये जैसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, इसको 1 BHK बोलते हैं। ये 1 bedroom, दिस इज हॉल एंड अ किचन, सो लेट्स कम टू द बेडरूम। कम, सो गाइस दिस इज अ बेडरूम, नॉर्मल बेड जो इंडिया से थोड़ा छोटा मिलता है, यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़े बड़े बेड्स होते हैं बट यहाँ पे थोड़ा छोटा है। और दिस इज वर्किंग स्टेशन, जो आप इसको टेबल बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि टेबल आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, जैसे फोल्डेबल काइंड ऑफ स्मार्ट फर्नीचर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़े बहुत अलमीराज, छोटे आपको चेस्टर्स सब आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ बेडरूम विद लार्ज विंडोज एंड कर्टेंस, कर्टेंस और आपको ओनर ही देगा, तो प्लीज़ मेक श्योर आप कर्टेंस खुद के ना लगाएं, ओनर ही आपको प्रोवाइड करेगा। दिस इज़ आवर वार्डरोब, लार्ज वार्डरोब स्लाइड विद अ स्लाइडर, सो इस तरीके के वार्डरोब आपको मिलेंगे यहाँ पे, मतलब इंडिया से अलमारी नहीं मिलेंगे बट स्लाइडर वाले आपको वार्डरोब यहाँ पे मिलेंगे। हमारे बेडरूम के ऑलमोस्ट साइड में हमारा वॉशरूम है, अब अटैच नहीं मिलते हैं, अटैच बहुत कम मैंने देखे, हमने बहुत घर देखे थे पहले बट हमने हार्डली किसी घर में अटैच वॉशरूम देखा हो। यहाँ पे वॉशरूम एक ही होता है ज़्यादातर, अगर आप 3 BHK 4 BHK जा रहे हैं तो शायद आपको 2 मिल जाए, बट 1 BHK स्टूडियो में आपको एक ही वॉशरूम मिलेगा। आइए, सो दिस इज अ वॉशरूम, अ लार्ज वॉश बेसिन एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक हीटर आपको मिलेगा। मतलब हीटर किस लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती है कि कपड़े सूखते ही नहीं हैं, तो ये हीटर क्या हो, ये सिटी जो कम्युनिटी हीटर कहते हैं इसे हम, सिटी ऑटोमेटिकली ये आपका वो गर्म पानी इसमें से फ्लो करता है और ये गर्म होता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सब कुछ आपका जल्दी सूख जाता है, कपड़े आप इस पर सुखा सकते हैं, देखिए बहुत सारे डॉट्स हैं इस पर। तो ये ज़रूरी है यहाँ पे सर्दियों में, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ती है कि अगर बाहर कपड़े डालेंगे तो वो सूखेंगे ही नहीं 5-6 दिन तक। और ये एक बाथटब है, बाथटब होता है कहीं पे आपको ट्यूब मिलेगी बट
आपकी प्रेफरेंस पे मैटर करता है कि आपको बाथ टब पसंद है या ट्यूब। मुझे बाथ टब पसंद है क्योंकि बाथ टब में आई थिंक आप आराम से लेट सकते हैं, सो नहीं सकते, लेट सकते हैं, और आप वार्म वाटर जो बात होता है वो आप आराम से इन्जॉय कर सकते हैं बाथ टब के अंदर। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, यहाँ पे भाई वाटर जेट नहीं होता, वाटर जेट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग टिश्यू पेपर पे बिलीव करते हैं। टिश्यू पेपर पता नहीं यहीं पे रखा था, कहाँ गया, टिश्यू पेपर पे बिलीव करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे वाटर जेट लगाएं तो आप लगवा सकते हैं, वरना एक अमेज़ॉन पे आपको पोर्टेबल वाटर जेट मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप प्लम्बर को बुला के वो भी चाहो तो आप लगवा सकते हो। दिस इज़ अ वॉशरूम एंड दिस इज़ यहाँ पे आपको देखिए वॉशिंग मशीन आपको यहाँ पे मिलेगी। सो वॉशिंग मशीन डिपेंड करता है, बहुतों ने इन्होंने कबर्ड में छुपा रखी है जैसे, तो इस तरीके के आपको सारे ये कबर्ड्स और वॉशिंग मशीन इस तरीके से आपको वॉशरूम के अंदर ही मिलेगी। इंडिया में क्या होता है, हम बालकनी में लगा देते हैं, बट यहाँ पे आपको 99% जगह पे वॉशरूम के अंदर ही वॉशिंग मशीन मिलेगी। हेलो, सो गाइस दिस इज़ आवर बालकनी जहाँ पे हम शाम की चाय पीना या कोई बुक रीड करना पसंद करते हैं। सो दिस इज़ अ सेक्शन जो पूरा सजाया है, वो अंजलि ने सजाया है, क्योंकि अंजलि को फ्लावर्स और प्लांट्स बहुत पसंद हैं। सो रोज़, गेंदा, चिलीज, पुदीना, धनिया, यू विल फाइंड अ फुल किचन गार्डन हेयर अलॉन्ग विथ फ्लावर्स ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, टेक अ लुक, ये है एक सेब का पेड़ जो बिल्कुल हमारे अपार्टमेंट के सामने है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ जब सेब लाल होंगे तो एक डंडा लगा के ऐसे उसे सेब खींच के वापस ले आऊँ, या फिर मैं अंजलि को फेंक दूँगा, अंजलि पेड़ पे से सेब लेके आ जाएगी। सो क्योंकि अंजलि को सेब बहुत पसंद है और सेब का पेड़ बिल्कुल सामने है, अभी हरे हैं बट आई थिंक थोड़े टाइम बाद ये लाल हो जाएंगे। और इंडिया में सेब आपको पता कितने रेट के हैं, यहाँ पे फ्री में मिलते हैं भाई, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सेब आराम से मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं। तो मैं कितना सही है, आपके अपार्टमेंट के सामने ही सेब का पेड़। सो दिस इज़ आर रिलैक्स, जहाँ पे हम रिलैक्स करते हैं ये वो प्लेस है। यहाँ पे एक और चेयर लगा के मैं और अंजलि शाम की चाय या फिर कोई बुक रीड करना हो या फिर थोड़ा चिट चैट करना हो तो वो प्रेफर करते हैं हम यहाँ पे। दिस इज़ रियली गुड। सो दोस्तों, ये था मेरा घर का टूर, और घर का जो रेंट है, मैं हीटिंग चार्जेस कितने देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, इंटरनेट बिल कितना आता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि आप पोलैंड में जब घर ढूंढ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, या क्या क्या चीज़ आपको ओनर से पूछनी है, या क्या क्या चीज़ आपको और डिमांड करनी है ओनर से, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और गाइज़, प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फूडी शर्मा को। टिल देन, गुड बाय।